हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ सर। मैंने यूट्यूब चैनल का नाम अब आसिफ सर कर दिया। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। सपोज ये स्नोमैन का सिंबल है, ये एप्पल का सिंबल है, कैसे आप ड्रॉ करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, इसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं। कोड क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले 2603 यूज़ करेंगे और कीबोर्ड से अल्ट और एक्स दबाएंगे तो आपका स्नोमैन आ जाएगा। सिमिलरली आपका नेक्स्ट जो है, आप एप्पल का सिंबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट में जाकर पहले ऑनिक्स चेंज करना होगा। देखिए ONYX आपको लिखना होगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे F000 Alt X। देखिए आपका एप्पल का सिंबल हो गया। तो ये पहला ट्रिक था हमारा। दूसरा ट्रिक के लिए अब हम लोग आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ये मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में हम लोगों को जितना RS लिखा हुआ RS पार्ट को डिलीट करना है। तो RS पार्ट को कैसे डिलीट करेंगे, तो इसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ तो हम कर सकते हैं। देखिए एक अनदर ट्रिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, लेआउट से कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाएंगे, टैब्स को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ना अब हम लोग को क्या करना, अल्ट की प्रेस किए रहना और यहाँ से देखिए इस तरह से कीबोर्ड माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर लेना और डिलीट कर लेना। अब फिर से इसमें टेबल लाने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल कर देंगे। देखिए RS सारा उड़ गया। नेक्स्ट है हमारा कि हम लोगों को ट्रेड का सपोज सिंबल चाहिए, क्या ट्रेडमार्क का चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, TM लिखेंगे और ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अल्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, अल्ट करेंगे, नेक्स्ट, सॉरी प्रॉब्लम हो गया था चैनल। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपको कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे, सी लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। ठीक है, क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको क्या लिखना है, आपको अगर चाहिए सिंबल किसका चाहिए, अगर आपको रजिस्टर का सिंबल चाहिए तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे, आर करोगे, क्लोज कर दोगे। देखिए आ गया सिंबल। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम करता है इसमें। सिमिलरली अगर आपको रजिस्टर का सिंबल चाहिए, रजिस्टर के बाद कॉपीराइट का, तो सी लिखेंगे, ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए कॉपीराइट का सिंबल आ गया। अब TM का ट्रेडमार्क का चाहिए तो फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, TM लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए ट्रेडमार्क का सिंबल ऊपर में थोड़ा डिफिकल्ट कुछ प्रॉब्लम आ रहा था इसीलिए नहीं टाइप हो रहा था, तो ये मैंने बता दिया आपको तीन चीज़। थर्ड ट्रिक के बाद अब फोर्थ नंबर में अब हम लोग आते हैं, हाइपरलिंक कैसे टेक्स्ट में इंसर्ट करते हैं। हाइपरलिंक के लिए सपोज आपको बाइनरी में हाइपरलिंक करना है इस वर्ड में, तो इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और हाइपरलिंक ऑप्शन में जाना है। अगर इसी डॉक्यूमेंट प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे ही हाइपरलिंक अवेलेबल कराना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट करोगे, तो जब भी बाइनरी पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आपके टॉप पे आ जाएगा। ओके कर दिया, देखिए हाइपरलिंक ब्लू कलर हो गया। अब नेक्स्ट एक और हाइपरलिंक हम लोग रिप्रेजेंटेशन पे लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक किए और ये हमारा सपोज हम लोग पाइथन पे हाइपरलिंक लगाते हैं, राइट क्लिक हाइपरलिंक। अब इसको हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट में करते हैं और इस डॉक्यूमेंट का नाम रख देते हैं PY। ठीक है, और ओके कर देते हैं। देखिए PY खुल जाएगा। ठीक है, क्यों खुला, क्योंकि हमने पाइथन पे लगा दिया। अब हम लोगों को यूज करना है तो क्या करना है? बोल रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक। जब भी हम लोग को हाइपरलिंक चेक करना होगा तो क्या प्रेस करेंगे, इसमें जाएंगे और कंट्रोल और क्लिक प्रेस करेंगे। देखिए चला गया ऊपर में, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब पूरे में से क्या करना है, हाइपरलिंक को हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और स्पेस बार दबा देंगे। देखिए हाइपरलिंक चला गया, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज फार्मूला। एक्सेल में तो हम लोग सम निकालते हैं, आज वर्ड में सम निकालते हैं। 40 और 10 50 कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके लिए कीबोर्ड से सबसे पहले कंट्रोल प्लस F9 दबाना है, फिर इक्वल टू सम लिखना है आपको, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर A1 लिखना है कॉमा, फिर क्या लिखना है A1 के बाद B1 लिखना है।
और फिर ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद F9 दबा देना। देखिए सम आ गया 50। सिमिलरली अगर नीचे में भी आपको सम चाहिए वर्टिकल वाला, तो आपको कंट्रोल F9 दबाना है कीबोर्ड से, फिर इक्वल टू सम लिखना है, ब्रैकेट के अंदर एबव लिख देना, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद F9 दबा देना, तो ये वर्टिकल का सम निकाल दिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स था, इसको आप सीखिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।